हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं DL EDit 2022 की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोग लगातार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इत्यादि इत्यादि के एग्ज़ाम आपके लेकर के लोग डाउट अपनी लगातार क्लियर करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने बताया भी था और फिर कई सारे मतलब वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, जैसा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो आपकी वायरल हो रही हैं, जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं। तो अगर इसके ऑडियोज़ की बात करें तो आइए, चलिए इसमें से एक ऑडियो मैंने भी रखा है, इस ऑडियो को आप सभी सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या इसमें लगता है, वास्तविकता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑडियो मैं लगा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऑडियो ये है। हेलो, हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार सर, DL EDit 2019 का पेपर बात करनी थी। तो सर, ये पेपर सब कब तक होगा लगभग? आप बताइए। नहीं सर, आप हमको बता दें सर, आपने कहा था ये बात के लिए ना सर, तो सर इसीलिए फोन किया सर। सवेरे 6 बजे फोन होना शुरू हो जाता है सर। नहीं सर, तो आप ये बता दीजिए ना सर कि किस हिसाब से आप पेपर करवाएंगे सर, हम लोगों का कब तक पूरा करवाएंगे ये तो सर क्लियर हो जाइए। पेपर आपका होगा सर, ये बताइए सर, लगभग मान लीजिए 3 साल के ऊपर पूरे हो गए सर, अब ये सब करवाएंगे तो सर पेपर कहाँ हो पाएगा नवम्बर तक सर? ये बताइए सर, अभी तक हम लोगों की तक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सर हुई है क्या, बताइए आप? ये बताइए खत्म हो चुका है सर, कहाँ खत्म हो गए सर? हम लोग भी होंगे नहीं किया, आपने किया सेमेस्टर बैंक में कोई अंतर नहीं आपने रखा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस ऑडियो के माध्यम से कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बात आपने गौर किया होगा कि आपके इसी महीने में आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि आपके एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है और जल्द से प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर बात करें कि अगर जितने भी लोग को ये लगता है कि एग्जामिनेशन कब तक होगा, उनके जो है डाउट्स बने हुए हैं अगर, तो मैं आपको बता दूं कि इसी महीने के 15 से लेकर के 30 तारीख के बीच में कोई ना कोई आपको न्यूज़ या तो निकल करके सामने आ जाएगा, या तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांस है कि इस महीने के आखिरी तक आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाए। आखिरी तक यानी कि 20 तारीख के बाद हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकते हैं, नहीं तो 15 से लेकर के 30 के बीच में कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आ जाएगी कि वास्तव में आपके एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं। ठीक है, और अब ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे हुए हैं, मैक्सिमम आप मान के चलिएगा कि आपके पास 20 से 30 दिन का टाइम है मैक्सिमम, जिसमें कि आपको अपनी तैयारियाँ पूरी कर लेनी है और आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसा कि आपको बात से लग रहा है कि ये भी लोग परेशान हो चुके हैं लगातार मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह के कारण, तो इस कारण से ये भी लोग अब कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके और जो भी है उसको मामले को रफा दफा किया जाए। तो इस कारण से आप सभी अपनी भी जो तैयारियाँ हैं वो जारी रखिए, बिल्कुल भी जो है ढीलबाजी मत कीजिएगा, और जितना भी जैसा भी आपको मतलब चीज़ें हैं जो आपको मिस हो चुकी हैं उसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन कभी भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।